तो संघ परिवार का पिछले 90 वर्षों से एक एजेंडा है और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दो तरह की धाराएं थी। एक वो थी जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी करती थी, जो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी करते थे, और दूसरी तरफ उनके विरोधी थे। विरोधी तीन चार तरह के लोग थे या उससे भी ज़्यादा। उनमें एक विचारधारा थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि हेडगेवार, गोलवालकर और सावरकर ने तैयार की थी और जिसकी जड़ें जो हैं वो मिलती हैं नाजी जर्मनी से, हिटलर से और फासीवादी मुसोलिनी से इटली में। और इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि ये लोग वहाँ से प्रेरणा लेकर के अपनी विचारधारा को बनाते थे, और उसमें जो ये एक तरह की सैनिक ट्रेनिंग की बात है ये भी वहीं से ली गई है। दूसरी विचारधारा थी एक्सट्रीमिस्ट की, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खां, जो कि अहिंसा में विश्वास नहीं रखते थे, हिंसा के ज़रिए से देश आज़ाद कराना चाहते थे। और तीसरी विचारधारा थी मुस्लिम लीग की, जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना करते थे और जिन्होंने द्विराष्ट्र का सिद्धांत, जो कि बुनियादी तौर पर आरएसएस का सिद्धांत था, उस पर पाकिस्तान की मांग की और अंग्रेज़ ने उनको वो उनकी मांग पूरी कर दी। तो 1947 को देश आज़ाद हो जाने के बाद ये एक मौका था कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता था, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के हमारे तमाम नेताओं ने और संविधान सभा में जब संविधान पे बात हुई तो बहुत स्पष्ट कहा गया कि हमने इस आज़ादी की लड़ाई के दौरान इस देश की जनता के साथ एक वायदा किया था कि जब ये देश आज़ाद होगा तो ये किसी एक जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा के आधार पर नहीं होगा, बल्कि ये एक सेक्युलर देश होगा, ये एक गणतंत्र होगा, ये एक पंथ निरपेक्ष होगा और समाजवाद पर, समतामूलक समाज पर आधारित होगा। और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया और उस पर 3 बरस चर्चा हुई संविधान सभा में लगभग, उसमें ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया कि ये देश 26 जनवरी 1950 से कैसे चलाया जाएगा और तब से चलाया जा रहा है। लेकिन जो संघ परिवार की विचारधारा के लोग हैं वो नहीं चाहते कि ये देश उस तरह से चले जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा थी, इसलिए वो इसे 2014 से हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मजबूरी ये है कि वो भारतीय संविधान को नहीं बदल सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का उसमें जजमेंट है केशवानंद भारती केस में कि आप संविधान के मूलभूत ढांचे को, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते। इसलिए वो उसकी शपथ तो लेते हैं संविधान की, लेकिन काम उसके विपरीत करते हैं। पिछले 5.5 सालों में इनके सत्ता में रहते हुए जो काम हुए हैं उनमें लगातार संविधान को तोड़ने का काम और अंततः देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। पहले लिंचिंग की घटनाएं हुई, दलितों के साथ अत्याचार हुए और ये ऐसा माहौल दहशत का पैदा किया गया कि इसमें जो एक उच्च जाति का वर्चस्व रहता आया है 5000 सालों से, उसी को बरकरार रखना है। और उसके बाद लगातार आप देखें कश्मीर में धारा 370 को हटाया जाना, ये क्या एक कोई मामूली चीज़ थी? लेकिन नहीं, उनका एजेंडा था भारतीय जनसंघ के ज़माने से और बाद में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि हम धारा 370 को हटाएंगे, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। लेकिन वाजपेयी जी ने जब पहली NDA सरकार बनाई और अपने सहयोगियों को उसमें जोड़ा तो उन्होंने अपने सहयोगियों को के दबाव में इस बात को माना कि हम अपने विवादास्पद मुद्दों को नहीं उठाएंगे, लिहाजा उन्होंने वो मुद्दे नहीं उठाए। मगर जब नरेंद्र मोदी साहब को स्पष्ट बहुमत मिल गया, 280 सीटें अपने बल पर मिल गईं और सहयोगियों को मिलाकर 350-350 तक पहुंच गए और इस बार के चुनाव में उस बहुमत में और बढ़ोतरी हो गई, तो अब वो बहुत ही ब्लेटेंट तरीके से वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि ये नागरिकता संशोधन विधेयक जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये स्ट्रक डाउन किया जाएगा, क्योंकि ये संविधान के आर्टिकल 14 के ख़िलाफ़ है, संविधान की मूल भावना के ख़िलाफ़ है, संविधान के बुनियाद
बुनियादी सिद्धांतों के ख़िलाफ़ है और एक पंथ निरपेक्ष सेकुलर देश में इस तरह का कोई कानून जो धर्म के आधार पर हो कबूल नहीं किया जा सकता। जहाँ तक इसके प्रावधानों का ताल्लुक़ है तो इसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश सिर्फ तीन देशों के आए हुए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात कही गई है, यानी इनमें से मुसलमान को छोड़ कर के चाहे वो सिख हो, वो बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो या ईसाई हो, उसको नागरिकता दी जाएगी। इसे किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। बात कही गई कि साहब इन देशों में अल्पसंख्यकों का के ऊपर अत्याचार होते हैं, माइनॉरिटीज़ का प्रोसिक्यूशन होता है, इसलिए हम ये विधेयक ला रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में शियाओं के साथ ज़्यादती नहीं होती, उनका प्रोसिक्यूशन नहीं होता? अहमदियाज़ के साथ प्रोसिक्यूशन नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में तो वहाँ के अवाम और हुकूमत उन्हें मुसलमान भी नहीं मानते। तो जब वो मुसलमान नहीं है अहमदिया संप्रदाय, उसको भी चूँकि उनके नाम के आगे अहमद लगा है, अहमदिया कहते हैं वो अपने आप को, इसलिए आप नहीं देंगे? या बांग्लादेश से आने वाले किसी भी ऐसे मुसलमान को तो फिर आपने तस्लीमा नसरीन को क्यों शरण दी हुई है, क्यों उसको आप नागरिकता देने की भी बात कर रहे हैं? और सिर्फ ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश का मामला नहीं है, फिर आप तिब्बत की बात क्यों नहीं करते? तिब्बत के जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं दलाई लामा को 59 से हमने शरण दे रखी है, लेकिन अभी तक उनको नागरिकता नहीं दी। हज़ारों लाखों लोग हैं तिब्बत से भाग करके आने वाले लोग, उनको शामिल किया जाना चाहिए था। इसमें भूटान का जिक्र नहीं है, वहाँ से आने वाले लोग नागरिकों का क्या होगा? श्रीलंका का जिक्र नहीं है। म्यांमार से आप जानते हैं रोहिंग्या समस्या कितनी विकट समस्या है, और उसके बारे में कहा जाता है कि एक भी रोहिंग्या को इस देश में नहीं रहने दिया जाएगा। तो हम कुल मिलाकर के एक ऐसे राष्ट्र की छवि पूरी दुनिया में अपनी बना रहे हैं जहाँ पे कोई ना तो मानवता, करुणा, दया का कोई मतलब नहीं है, जिसके लिए भारत हज़ारों साल से जाना जाता है। और दूसरा ये कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनके तहत भी अगर आपसे कोई शरण मांगता है तो आप उसको शरण देते हैं, लेकिन ये विशुद्ध राजनीतिक कारणों से और राजनीतिक हितों को देखते हुए कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करना है, उसको अपना वोट बैंक बनाना है और उसी के आधार पर चुनाव जीतने हैं, ये नागरिकता संशोधन विधेयक लाया गया है जो अब कानून बनने जा रहा है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।